हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो फैट सिमुलेशंस हैं उसके थ्रू कि भाई जो ओम्स लॉ है उसको कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट? जैसे करंट होगा या वोल्टेज होगा उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, तो वो सब पॉइंट यहाँ इस वीडियो में आप ये जो देख पा रहे हैं ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और इस 9 वोल्ट ये दूसरी 9 वोल्ट की बैटरी, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये 4 सेल हम लोगों ने यूज किए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वायर है और ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये जो रेड कलर का है ये पॉजिटिव सिंबल होता है और ब्लैक जो है वो निगेटिव सिंबल है। ये एमीटर है यहाँ पर, तो ये स्विच है, ये सारी चीज़ अवेलेबल है इस साइड में, राइट? तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो अभी जो कनेक्शन है पहले उसको कर दें, इसको थोड़ा सा बैक साइड में रख लेते हैं, ये वोल्ट मीटर को, और यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को हम लोग जो है उसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं यहाँ से 15, 16, 17, 18, 19, और इसको स्लाइड करके इस टाइप से। तो ये हुआ रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, और आप देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे यहाँ ये कलर चेंज हो रहा है, कलर बार जो है। तो कलर कोडिंग अगर आप जानते हैं तो वो देख पा रहे होंगे कि अभी ये जैसे जैसे यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी तरीके से वहाँ पे कलर चेंज होगा, राइट? तो यहाँ ये हम लोगों ने रख लिया है पहले 19 ओम्स का रेजिस्टेंस, और इसको अभी हम जोड़ते हैं एमीटर के साथ में। ये एमीटर है, तो यहाँ कनेक्शन एक्चुअली कैसे हैं और किस तरीके से बनाते हैं वो मैं पहले ये सेलेक्ट करके आपको बता दूँ कि ये वायर सेलेक्ट किया, इसका जो सर्कल, ये ओपन सर्कल दिख रहा है, इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ में जुड़ जाएगा, राइट? तो अगर मुझको इसको कट करना है तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा तो ये फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसको जोड़ना है दोबारा तो मुझको ऐसे पुल करके यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो ये अब जुड़ चुका है इधर इस साइड, ये इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ अभी एमीटर कनेक्ट है, अगर उसको कट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर जोड़ना है तो आप उसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ये स्विच है और इस स्विच का ये पोर्शन जो है मैं इसके साथ में जोड़ देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ जुड़ चुका है, राइट? ये जो बैटरी है इस बैटरी को जोड़ना है इस वायर के साथ में, तो आप ये वायर भी यूज कर सकते हैं इस टाइप से, ये कर लिया है। दूसरी बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया इसके साथ में ऐसे, ये प्लस साइन का है और ये इसका बैक निगेटिव है, ये प्लस है और ये ब्लैक जो आप देख पा रहे हैं बैक साइड, ये निगेटिव, इस तरीके से बैटरी को रखा हुआ है। तो अब मैं जोड़ रहा हूँ तीसरी बैटरी को, तीसरी बैटरी को जोड़ने के लिए मुझको पड़ेगी वायर की ज़रूरत, तो मैं ऐसे ये इसको उठा लूँगा और यहाँ इस बैटरी को मैं इसके साथ कनेक्ट इस वे में कर दूंगा, राइट? तो एक ये वायर अभी कनेक्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ और सिंपलीफाई भी कर सकता हूँ। ये वायर मैं अभी उठा के रख चुका हूँ, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं प्रॉपर, ये वायर तो यहाँ इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और तो इस तरीके से ये कनेक्शन अब आपका ये बन चुका है, राइट? तो थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे रख लेंगे, इसको ऊपर की साइड ले लेंगे कि अगर मुझको कहीं कनेक्शन में इधर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको वेरी कर लूँगा, राइट? तो इसको आप इस तरीके से ये चेंज कर सकते हैं, राइट? तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वायर को कनेक्ट कर दूँगा। अब ये सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको जहाँ ये ज्वाइंट है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे माउस के थ्रू ये अप या डाउन कर सकते हैं, राइट? तो पहला पॉइंट, अब यहाँ जैसे ही मैं स्विच यहाँ से ऑन करूँगा, स्विच ऑन करने से पहले बता दूँ ये वोल्ट मीटर है और यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का इस साइड, तो मैं वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव साइड में रखूँगा और ये निगेटिव है इस साइड में, तो निगेटिव इस साइड में रखूँगा। एमीटर का ये पॉजिटिव, ये निगेटिव इस टाइप से, राइट? तो ये निगेटिव साइड थी बैटरी की, तो मैं अब स्विच को कनेक्ट करता हूँ। तो अभी ये हुआ कि अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सब कनेक्ट है लेकिन फिर चल नहीं पाया, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं जब हम लोगों ने कनेक्शन दिए थे तो वहाँ पे वो प्रॉपर जुड़ नहीं पाया है, जैसे कि ये, राइट? तो इसको हम जोड़ देंगे, तो अब ये देख पा रहे हैं कि आप ये
अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो दिखाई पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपको चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। ये अब करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ये 19 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 36 वोल्ट का है। तो ये 36 आप देखिए कि कैसे मिला है आपको, 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9, ये 4 बैटरी जो है 9 वोल्ट की यूज की है आपने, राइट। तो यहाँ अभी जो करंट आया है वो 1.89 एम्पियर है। तो ये पूरे सर्किट का जो है करंट बोल रहा है कि इतना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो अब यहाँ अगर मैं इसका रेजिस्टेंस चेंज करूँगा तो आप इस करंट को देखना कि उस पर कोई फर्क पड़ता है, राइट। जैसे जैसे मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो उधर जो है वो करंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप डिफरेंट, यहाँ अगर आपको ओम्स लॉ को प्लॉट करना है, वी और आई को ऑब्जर्व करना है इन 4 सेल के लिए या 2 सेल के लिए या 3 सेल के लिए, कितनी भी वोल्ट की बैटरी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपको रीडिंग लेना है तो आप रीडिंग कैसे लेंगे, तो सपोज किया आपका जो इनिशियल एक रेजिस्टेंस आप फिक्स कर लें, तो ये रेजिस्टेंस 17 ओम का फिक्स कर दिया है या 18 ओम का या जितना भी आपको ठीक लगता है, राइट। तो अभी ये रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया है तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर है, राइट। तो आर अगर चेंज करेंगे तो आपका ये चेंज होगा। तो देखिए आर, ये रेजिस्टेंस आर है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। अगर आपको रीडिंग नोट करना है तो पहले पॉइंट पे 36 वोल्टेज है और करंट है 2.12, तो आप नोट कर सकते हैं अभी। अब मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूँगा 17.5, वोल्टेज अभी भी 36 है और यहाँ करंट 2.06 हो गया है, राइट। अब मैंने 18 कर दिया है तो R को चेंज किया तो यहाँ I चेंज हो रहा है, V अभी भी उतना ही है 36 वोल्ट, राइट। तो V कांस्टेंट है, अब मैं R वेरी करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये I चेंज हो रहा है। तो एक पॉइंट तो आपका ये है जो रिलेशनशिप है V इज इक्वल टू I इंटू R, कि दूसरी साइड में जो राइट हैंड साइड में आई इंटू आर है, अगर आप आर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि आई कम होगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, दैट इज दी वी, राइट। सो यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ हम इस पहले स्विच ऑफ कर देंगे, ये स्विच ऑफ कर दिया है, अब यहाँ से इसको कट कर देंगे और इसका जो कनेक्शन है एक ही बैटरी को यूज करेंगे, एक छोटी बैटरी लिया 9 वोल्ट की और उसको ऐसे इस सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब ये वोल्टेज नहीं यूज होगा, राइट, इन सेल का। तो स्विच ऑन करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 12 ओम का हमने यूज किया है और जो करंट आप देख पा रहे हैं वो 0.75 है। वोल्टेज कितना है अक्रॉस दिस, वो 9 वोल्टेज है, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस रेजिस्टेंस को फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज वेरी करेंगे, राइट। तो अब हम दूसरा सर्किट यूज करेंगे, इसको कट कर दिया, यहाँ दो बैटरी यूज करेंगे 18 वोल्ट की, यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि वो स्पेस कम है, एक वायर यूज किया और इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो अब कितना वोल्टेज हुआ, 18 वोल्टेज। और ये रेजिस्टेंस कितना है, ये अभी भी 12 ओम है और करंट कितना हो गया 1.5, तो 18 वोल्ट पे 1.5, राइट। तो अब तीसरी बैटरी यूज करेंगे, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कट कर दिया, अब इसको ये और ये यहाँ कनेक्ट कर दिया 3 बैटरी के साथ में, और इसको हम कट कर देंगे और इसको यूज करेंगे यहाँ ऐसे। तो अब कितनी वोल्ट बैटरी होगी, 80, ये 9927। और अभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी वोल्टेज इंक्रीज हुई है तो करंट भी इंक्रीज हुआ है, 2.25 हुआ है, रेजिस्टेंस अभी भी उतना है, राइट। तो अभी एक और जो फोर्थ बैटरी है उसको भी यूज कर लेंगे,
तो यहाँ फोर्थ बैटरी यूज कर लिया, तो अब 36 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस उतना ही और यहाँ करंट हो चुका 3 एम्पियर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे V इंक्रीज हो रहा है, I भी इंक्रीज हो रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I और R कांस्टेंट रहता है, राइट। तो ये ओम्स लॉ है, तो आप इस तरीके से इस यहाँ जो सिमुलेशंस हैं इसको यूज करके ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको रीडिंग भी यहाँ से मिलती जाएगी और जिस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका आप वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर रेजिस्टेंस को सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप इसको, और जैसे सेल को अगर सेलेक्ट किया तो अभी 9 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैं उसकी वोल्टेज बढ़ा दूंगा 20.5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल जो वोल्ट है वो 55 हो चुका है। तो इंस्टेड ऑफ एक ही उसके वोल्टेज के सेल के आप यूज करें या फिर अलग अलग करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इस सिमुलेशंस को यूज करिए और सीखिए और फिर ओम्स लॉ को यहाँ से आप अच्छे से सीख पाएंगे, राइट। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट दिस सीरीज एंड पैरेलल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।